वेलकम टू कोड सवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो एक और न्यू इंटर्नशिप आई है बैकएंड डेवलपर की। कंपनी का जो नाम है ग्रेविटी है, मुंबई की कंपनी है एंड स्टाइपेंड इज ऑफरिंग अराउंड 9 to 12.5K। ओके एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप इज 3 to 6 मंथ, मोड इज लाइक 5 to 7 आवर्स पर डे आपको यू हैव टू स्पेंड। स्टार्ट डेट इज इमीडिएट ज्वाइनर एंड नंबर ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 4 है एंड जो पीपीओ यहाँ पे दे रही है कंपनी वो 3 to 7 LPA दे रही है एंड वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। तो स्टाइपेंड भी सही है एंड पीपीओ भी सही दे रही है। तो यदि आपके पास स्किल सेट नेस्ट जेस है, नोट जेस, गिटहब है, पोस्ट ग्रेसुकेल है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, यदि इसमें से 2-3 आते हैं तो इस रोल के लिए अप्लाई करो। लाइक नोट जेस आते हैं, जावास्क्रिप्ट आते हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई करो इस रोल के लिए। एंड अदर प्रेफरेंस जो है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है 24 to 28 तक है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो प्रेफर कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन नोट जेस एंड जावास्क्रिप्ट, प्रूवन नेस्ट जेस स्किल्स, गिट कमांड लाइन बेसिक, ability to debug code and API response with Chrome, Firefox network console, ownership mindset, you should not require monitoring and you should be able to leverage freedom, मतलब कि जरूरत नहीं है कि आपको बार बार देखे क्या कर रहे हो, जो भी वर्क मिलता है उसको कंप्लीट करना है एंड आपका फ्रीडम होना चाहिए कुछ, मतलब अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने का, एक आपका अंदर पैशन होना चाहिए न्यू थिंग को लर्न करने का। एजाइल डेवलपमेंट यूजिंग Next.js, पिकिंग अप यूजर स्टोरी एंड इंप्लीमेंटिंग देम, estimating and completing the task on time, testing code rigorously before committing and after deployment. If you are open, you can do some front-end development using React, debugging, maintenance, ठीक है। तो ये सब है, यदि JavaScript Node.js आता है तो इस रोल के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो सबसे पहला जो राउंड होगा ना, जूम इंटरव्यू राउंड होगा, हायरिंग प्रोसेस का बात करें तो, एंड उसके बाद यदि राउंड वन में है, उनको लग गया कि तुम्हारा, तुम कर सकते हो इस काम को, ठीक है, जो उनको काम करवाना है यदि कर सकते हो, यू आर एबल टू डू, देन दे विल जस्ट लाइक आपको हायर कर लेंगे, वहीं से ऑफर लेटर वहां से मिल जाएगा आपको। नहीं तो यदि लगे राउंड वन में लगता है कि उनको थोड़ा सा और एक राउंड ले लेता हूँ, उनको आइडिया नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में, तो राउंड टू लेंगे एक, उसके बाद आपका हायरिंग होगा, ठीक है। तो यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी अप्लाई कर